वास्तुशास्त्र के अनुसार नॉर्थ ईस्ट की दिशा का किचन भयानक बीमारियों को निमंत्रण देता है। आइए जानते हैं कैसे। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सारिका श्रीवास्तव और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि नॉर्थ ईस्ट का किचन इतना बुरा क्यों माना जाता है और क्यों कहा जाता है कि इसका कोई भी उपचार नहीं है। आइए समझते हैं। किचन का काम है न्यूट्रिशन देना, यानी कि हमारे शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाना। लेकिन यदि किचन नॉर्थ ईस्ट की दिशा में आ जाए तो इसके बहुत ही भयानक परिणाम होते हैं। क्यों? क्योंकि ये किचन बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण बनता है। कैंसर, पैरालिसिस, डिमेंशिया, बहुत सारी दिमागी बीमारियां, इन सब का यही एक कारण है। इसके साथ ही ये किचन एग्रेशन का भी बहुत बड़ा कारण है। इस दिशा में जिनके भी घरों में किचन पाया गया है वहां पर लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा देखा गया है, और यदि गुस्सा ज्यादा रहेगा तो फिर घर में लड़ाई झगड़े होने तो निश्चित ही हैं। साथ ही निर्णय लेने की क्षमता भी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये सीधे दिमाग पे असर करता है। तो अब यदि आपके घर में नॉर्थ ईस्ट की किचन है तो उसका क्या समाधान है? सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्या आपकी किचन एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में आ रही है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हम 16 दिशाओं को लेकर के काम करते हैं, जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट के बगल में दो दिशाएं आती हैं, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। तो यदि आपका किचन नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है तो आपको सिर्फ अपने बर्नर के नीचे एक ग्रीन कलर का पत्थर लगा देना है, यानी कि एक ग्रीन बड़ौदा स्टोन लगा देना है। लेकिन यदि आपका किचन एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है तो आपको अपने बर्नर को बगल की ये जो दो दिशाएं हैं, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, इनमें से जिधर भी स्पेस अवेलेबल हो उधर रीलोकेट कर देना है और फिर उसके नीचे ग्रीन बड़ौदा स्टोन लगा देना है। आप देखेंगे कि ये जो भी समस्याएं आ रही थी धीरे धीरे उनमें आपको आराम आ गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।